आज बच्चों हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका थ्योरी पोर्शन है। तो ये आपके सामने जो है आपका सिलेबस का पहला पार्ट ओपन है और इसी में हम लोग आगे चीजें देखते चलेंगे। मैं सिलेबस के हिसाब से ही चलना चाह रहा हूँ क्योंकि इस साल रिड्यूस सिलेबस यूज किया जा रहा है, तो उसमें जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और जहाँ कहीं भी आप लोगों को लगे कि हाँ इसको कुछ पूछना चाहिए फिर से तो आप प्लीज बोल दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला सिलेबस के हिसाब से पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? एक आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, और फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दो तरीके की प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम लोग जावा लैंग्वेज से पहले यूज करते थे और इस समय जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद ऑल द फोर प्रिंसिपल, जो चार प्रिंसिपल हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जैसे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये देखेंगे। और साथ में रियल लाइफ एग्जाम्पल से जावा कैसे रिलेट करती है ये देखेंगे। समय रहा तो ये आगे वाला पार्ट इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस से यहाँ पे आपकी स्क्रीन सामने आ गई होगी, ये डिफरेंसेस हैं। और देखिए थ्योरी तो कुछ ऐसी होती है जिसको याद ही करना पड़ता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको रिलेट कर पाऊँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, वरना ज़्यादातर आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसमें जो पॉइंट हैं कोई भी आपको 2 पॉइंट एटलीस्ट याद करने पड़ेंगे, 2 पॉइंट कम से कम, और अधिक से अधिक 3 बस। सबसे पहला है इन प्रोसीजर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्मॉल पार्ट कॉल्ड फंक्शन। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो प्रोग्राम है वो छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइडेड होता है, ये कहा जा रहा है इसमें। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्मॉल पार्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी फंक्शन होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और ये आपका इसमें सिर्फ फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन बना के काम कराया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज टॉप डाउन प्रोसेस, यानी कि प्रोग्राम जैसे ऊपर से नीचे की ओर, मान लीजिए यही प्रोग्राम लिखा है तो वो टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे की ओर एक एक लाइन पढ़ते हुए चलता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है फॉलोज बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे आपका वर्डमैन रहता है और ऊपर आपके फंक्शन बनाए जाते हैं, जो स्मॉल स्मॉल पार्ट बताया गया है। तो ऊपर आपके जो है फंक्शन रहते हैं तो नीचे ऑब्जेक्ट के द्वारा फंक्शन कॉल किए जाते हैं। जब फंक्शन प्रोग्रामिंग आप लोग देखोगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। तो ये बॉटम अप है प्रोसेस यूज करता है, ये टॉप डाउन प्रोसेस यूज करता है। कौन? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉप डाउन है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप है। उसके बाद जो है देयर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। देखिए एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कुछ परमिशंस, यानी कुछ कंडीशंस लगाना। तो यहाँ पे हम लोगों के जावा में एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, आपने देखा होगा ब्लूजे में जब प्रोग्राम आप ओपन करते हैं तो उसमें ज़्यादातर पब्लिक लिखा होता है, तो प्राइवेट भी लिख सकते हैं प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं। तो इसमें नो एक्सेस स्पेसिफायर यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया जाता है। और जो जावा है आपकी इसमें एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, यानी कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये 3 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो है एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शन इज नॉट ईजी। जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें जैसे कि एक प्रोग्राम आपने ले लिया कि उसमें नेम होगा और एज होगा और एड्रेस होगा, तो ये फिक्स रूप से आपने ले लिया। अब उसमें बीच में जब प्रोग्राम रन हो रहा हो
तब उसमें कोई नया डेटा ऐड नहीं कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने जो पहले वेरिएबल चार डिक्लेयर कर दिए जिस जिस डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो कोई आप नया डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आगे 12th वाली प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डज नॉट हैव एनी प्रॉपर वे फॉर हाइडिंग डेटा, सो इट इज लेस सिक्योर। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये मोर सिक्योर होती है और ये आपका लेस सिक्योर होती है। रीजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। इनके थ्रू हम लोग जो है प्रोग्राम को परमिशन लगाते हैं कि कोई भी हमारे प्रोग्राम के क्लास के अंदर लिखा हुआ वेरिएबल या फंक्शन क्लास से बाहर यूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यानी कि जो भी डेटा सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब यहाँ पर फॉलो होता है और यहाँ पर नहीं फॉलो हो पाता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फिर एक और पॉइंट कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, ये टेक्निकल टर्म है। इसमें आपका जब फंक्शन टॉपिक 10th में पढ़ोगे तो उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग है, जिसमें एक ही नाम के फंक्शन एक से अधिक बनाए जा सकते हैं। यानी सारे फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन फंक्शन का क्वांटिटी एक से अधिक होगा। और यहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग नहीं होती है और इसमें ओवरलोडिंग होती है। यानी कि इसमें अगर फंक्शन के नाम रखने हैं तो इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे और इसमें आप सेम नाम से एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फिर उसके बाद प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डेटा, यानी कि जो वेरिएबल्स लेते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसको माना जाता है, फंक्शन को माना जाता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है डेटा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फंक्शन। तो बहुत इजी पॉइंट है ये, आप कोई भी दो या तीन पॉइंट याद करना है आपको। फिर एक और पॉइंट देख लेते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन अनरियल वर्ल्ड, यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल होते हैं जरूरी नहीं कि उनको हम शामिल कर पाए, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल ही ज़्यादातर शामिल करते हैं, जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। फिर लास्ट में देखिए, एग्जाम्पल में सी लैंग्वेज एग्जाम्पल कौन से हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, सी लैंग्वेज है, फोर्टान है, पास्कल है, बेसिक लैंग्वेज जो मैंने नाम पहले लिए थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। तो बच्चों कोई तीन पॉइंट एटलीस्ट आपको लग रहा है कि हाँ समझ में आ गए और इनको हम याद कर लेंगे, एटलीस्ट कोई तीन पॉइंट हाँ तो याद रखिएगा, ये थ्योरी पर्पज से ही आपको सब पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ओप्स, इसको डबल ओ पी एस भी कहा जाता है, ओप्स रिफर्स टू लैंग्वेज दैट यूजेज ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हों, जो ऑब्जेक्ट को यूज करती हो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कही जाएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म और एटसेट्रा इन प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेकर प्रोग्रामिंग करी जाती है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड में हमारे यूज होता है, डेटा हाइडिंग रियल वर्ल्ड में यूज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म रियल वर्ल्ड में यूज होता है। ये कैसे होता है तो नीचे ये सब अभी नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं, उसमें हम इसको बताएंगे आपको। और ये आपकी प्रोग्रामिंग की एडवांस अप्रोच है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई है ये कैसे हम कहेंगे, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करती है, इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्शन जो नीचे अभी पढ़ने को मिलेगा आपको, तो ये समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है अगर उसमें ये फीचर्स यूज किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आपका गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जिसमें
अब यहाँ पे रियल वर्ड इतनी देर से चिल्लाया जा रहा है, तो क्या रियल वर्ड का मतलब है? देखिए एग्जाम्पल दो लिए जा रहे हैं यहाँ पर, रियल वर्ड एग्जाम्पल जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो पहला है आपका रियल लाइफ ऑब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पेन है, तो पेन हमारा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब उसकी पेन की कुछ दो चीजें होंगी, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उस पेन के कुछ बिहेवियर होंगे। और पेन क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है। और क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पेन की क्या हो सकती हैं? कि पेन को किसी कंपनी ने बनाया होगा, पेन का कोई कलर हो सकता है और पेन का कोई शेप हो सकता है और उसमें पेन में एक निप होती है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं चीजें। उसके बाद बिहेवियर में क्या आ सकता है? पेन जो है राइटिंग के लिए यूज किया जाता है, और पेन जो है कोई करेक्शन करना है उसके लिए यूज किया जाता है, और पेन जो है आपका ड्राइंग या आपका ये स्केचिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो जावा में इसके ऊपर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम है डॉग, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बिहेवियर हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डॉग की? कि डॉग का कोई नाम हो सकता है, जैसे अलग अलग ब्रीड के डॉग होते हैं, नाम जिसको हम लोग घर में रख लेते हैं, और उसका कोई कलर हो सकता है और उसका कोई जाति हो सकती है, ब्रीड हो सकती है कि बुलडॉग है या जो भी आप लोग जानते होंगे हमसे ज़्यादा। उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर में क्या है? वो बार्किंग करता है और वैगिंग इट्स टेल, अपनी पूंछ को हिलाता है, और रनिंग स्पीड, वो बहुत तेजी से दौड़ सकता है। तो ये इसके ऊपर भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है सिर्फ मैसेज प्रिंट कराने के उद्देश्य से। तो ये आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आते हैं, माना जाता है। अब हमने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तभी कही जाएगी जब वो चार फीचर्स हैं उनको यूज करती हो। तो जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपका, स्टेट द फोर प्रिंसिपल कहें या कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या फीचर्स कहें ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार फीचर्स, चार प्रिंसिपल या चार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जो मेन हैं? तो इसमें सबसे पहली आपकी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या खाली एब्स्ट्रैक्शन लिख सकते हैं इसको। दूसरी है इनकैप्सुलेशन, तीसरी है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथी है आपकी इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ से आपका जो है जो क्वेश्चन स्कूल में आ सकते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो ये आप इसको ध्यान से समझेंगे। अब्स्ट्रैक्शन क्या है? इट मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन या फीचर्स एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। इसमें कहा गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो इसेंशियल फीचर्स हैं उसको खाली दिखाया जाए, डिस्प्ले किया जाए, और उसकी जो बैकग्राउंड डिटेल होती है उस ऑब्जेक्ट की उसको हाइड रखा जाए। तो ये फीचर्स हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है आगे देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा एंड आउटसाइड वर्ल्ड। फिर उसके बाद लिखा हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका एग्जाम्पल समझिए क्या है, कि देखिए सबसे पहली बात कि जो भी चीजें हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं या देख सकते हैं और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो उन चीज़ों की और उनका कोई बिहेवियर हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिया गया कि कोई कार है, सपोज दैट कोई कार है, ये एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसको हम आँखों से देख सकते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और इसका बिहेवियर भी होता है। तो कार की बात करें अगर, तो कार में यहाँ पे कहा गया कि डिस्प्लेइंग ओनली इसेंशियल फीचर्स या इसेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार के बारे में हमें क्या मालूम होना चाहिए? जो बाहरी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कार की डिग्गी है, उसमें सामान रखा जाता है, कार में हैंडल होता है, स्टेयरिंग मतलब जिसको हम लोग कहते हैं, कार में गियर होता है,
कार में ब्रेक्स होती हैं, कार में एक्सीलेटर होता है, कार में एसी होता है, या कार में लाइट होती है। तो ये क्या है, ये हमारे एसेंशियल फीचर्स हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या कही गई, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो कैसे फंक्शन वर्क कर रहे हैं, जिनके जो एसेंशियल फीचर हमें पता है वो फीचर्स बैकग्राउंड में कैसे वर्क कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे कि अगर हम स्टेयरिंग को राइट साइड में घुमाएंगे तो जो आपका व्हील है कार के वो राइट साइड में घूम जाते हैं, अगर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे स्टेयरिंग को तो वो लेफ्ट साइड में घूम जाते हैं। ऐसे ही अगर हम एक्सीलेटर पुश करें तो आपकी जो गाड़ी है वो मोशन में आ जाती है और आवाज़ भी उसकी तेज हो जाती है। ऐसे ही हम हेडलाइट ऑन करें तो हेडलाइट ऑन हो जाती है, लेकिन वो कैसे हो जाती है, हमने राइट साइड में मोड़ा तो क्यों मुड़ गए, कैसे मुड़ गए, उसके पीछे कौन से कितने क्या मैकेनिज्म अंदर लगा हुआ है, वो क्या है, उसकी बैकग्राउंड डिटेल है। ऐसे ही आपका जो है आपने ब्रेक मारी तो कैसे गाड़ी रुक गई, तो उसके इंटरनल बॉडी में जो ब्रेक वगैरह लगाई गई होंगी या कैसे वो पैड वगैरह लगाए गए होंगे जिससे वो व्हील जो है आपके जाम हो जाते हैं, तो ये क्या है, बैकग्राउंड डिटेल है, इससे हमें मतलब नहीं, यानी ये हमसे छुपाए जाते हैं, लेकिन बाकी एसेंशियल फीचर्स हमें बताए जाते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल लें, जैसे एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन में हमें खाली वो जो ऊपर बटन्स लगी होती हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए, वो क्या है, हमारे एसेंशियल फीचर्स हैं, उनका कीपैड हमें पता होना चाहिए कि किस बटन को प्रेस करने पर क्या आउटपुट कम होगा, तो वो हमें पता है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड डिटेल हाइड रखी गई कि हमने वहाँ पे 500 रुपए का नोट निकालना चाहा और हमने उसमें नंबर ऑफ नोट 100 वाले लगा दिए, तो कंप्यूटर अपने आप या एटीएम मशीन अपने आप उसको काउंट कर रही है और आपके 100 के 5 नोट ही आपको निकाल के दे देगी। तो ये क्या है, उसकी बैकग्राउंड डिटेल है और ये हमसे क्या की गई है, हाइड की गई, छुपाई गई है। तो बच्चों अब्स्ट्रैक्शन क्या है, समझ में आया क्या आप लोगों के, अभी आपने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ा था, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का यूज करके हम वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए जाते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में, तो उन वेरिएबल्स को अगर हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है तब तो वो हर जगह एक्सेसिबल होंगे और दूसरा कोई प्रोग्राम भी उसको एक्सेस कर सकता है, और अगर हमने उसको प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट में वो वेरिएबल या वो फंक्शन जो भी मेथड आप यूज करोगे वो अपनी क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते, तो इसका मतलब डेटा हाइड कर दिया गया। हमने यहाँ पर अगर वेरिएबल और फंक्शन, मान लीजिए चार फंक्शन बने हैं और चार वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल तो पूरे हमने उसमें प्राइवेट कर दिए और जो फंक्शन थे उसमें दो फंक्शन हमने प्राइवेट कर दिए और दो पब्लिक कर दिए, तो आउटसाइड वर्ल्ड जो उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होगा वो सिर्फ वो दो ही वेरिएबल दो ही फंक्शन यूज़ कर पाएगा और उनके वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है कि उनको चेंज कर दे या उनके अंदर की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दे, नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे बैंक का हम लोग वो करते हैं ना, एटीएम अभी एग्जांपल लिया गया था, तो उसमें जो है जो वेरिएबल्स यूज, उस पूरी मैकेनिज्म पीछे कोई प्रोग्राम ही तो लगा है कि कितने पैसे निकालने हैं, कितने पैसे स्टोर करने डालने हैं, है ना, अपना स्टेटमेंट चेक करना है, तो सबके ऊपर प्राइवेट और पब्लिक प्रोटेक्टेड लगा हुआ है। आप ये तो आपके उसमें पब्लिक में लगा दिया गया कि आप अपनी बैंक में आपके अकाउंट में कितना पैसा है ये देख सकते हो, ये पब्लिक में लगा हुआ है, लेकिन बैंक में कितना पैसा है या किसी दूसरे कस्टमर के पास कितना पैसा है ये सब क्या है, ये हाइड कर रखा है, प्राइवेट बना रखा है, इसको आप देख नहीं सकते, ये प्रोग्राम के रूप में ही सब हो सकता है या होता है। तो कुछ समझ में आया, हाँ, कि बैंक के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया होगा तो उस सॉफ्टवेयर या एटीएम मशीन ही हम कह लें, तो हम अपना कोड डालकर अपना तो अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरे का चेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन आउट हो जाएगी, तो अगर हमने चेक कर पाया बाई चांस। और जो ये हैकर लोग होते हैं ये यही तो करते हैं, ये हमारी फेसबुक या और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से आईडी हैक करके हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और फिर उनका यूज़ करके ये हैकिंग करते हैं, आपका अकाउंट खाली कर देते हैं, जब तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक वो यूज़
नहीं कर सकते, ये होना चाहिए। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो जरूरी चीज हो वो खाली हमें पता हो, उसकी बैकग्राउंड डिटेल हमसे छुपाई जाती है या उससे हमें मतलब नहीं होता है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट है आपका इनकैप्सुलेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा मेंबर एंड इट्स रिलेटेड मेथड्स टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेशन है कि यह एक प्रोसेस है जो डेटा मेंबर और उससे रिलेटेड मेंबर मेथड को एक साथ एक यूनिट के अंदर रैपिंग करती है, बंद रखती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसको सिंपल सा ऐसे समझ लो, हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ दिखा देते हैं इसके, क्योंकि आपके दिमाग में जो प्रोग्राम वाली बात आ रही उससे रिलेटेड, फिर बाकी तो हम यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे जैसे आप एक क्लास खोलते हो, क्लास एक्स वाई जेड, ये फंक्शन प्रोग्रामिंग में आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो int a कॉमा बी कॉमा सी, और उसके बाद फिर आप फंक्शन बनाते हो, तो ये आपका void input input, और इसके अंदर जो भी काम करवाएंगे इनपुट से रिलेटेड वो इसके अंदर होगा। फिर void compute, अब इसमें जो भी कैलकुलेशन प्रोसेस करवाएंगे वो इसके अंदर रहेगी। ऐसे void display, तो इसके अंदर प्रिंटिंग जो भी कराएंगे वो स्टेटमेंट इसके अंदर रहेंगे। फिर आपका पब्लिक स्टैटिक void main बनाया जाता है, जिसमें आपका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है क्लास का नाम क्या है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड नाम का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, एक्स वाई जेड ओबीजे नाम से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इन फंक्शंस को, इन वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं। तो जैसे हमने लिखा ओबीजे डॉट इनपुट, ये फंक्शन प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, बस आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, इनकैप्सुलेशन समझाने के लिए। ओबीजे डॉट कंप्यूट और ओबीजे डॉट डिस्प्ले, डॉट डिस्प्ले, और उसके बाद बच्चों फिर यहां पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया और क्लास का कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसका सेंस समझो, यहां पे कहा गया कि रैपिंग अप ऑफ डेटा, डेटा का मतलब ये वेरिएबल से है, ये डेटा है, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड, मेथड कौन से हैं, इनपुट फंक्शन है, डिस्प्ले है और कंप्यूट है। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट वो कौन सी है, ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट खुला और लास्ट में ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो किसी एक यूनिट के अंदर जब डेटा और उससे रिलेटेड मेथड आप बंद कर दिए जाते हैं, रैप कर दिए जाते हैं, तो उसको आपको उसका आपका इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो दिखाई पड़ रहा है बेटा, कि फिर से एक बार पढ़ देते हैं इस लाइन को, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल से है, एंड इट्स रिलेटेड मेथड्स, मेथड का मतलब यहां पे इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले जो तीन मेथड हमने बनाए हैं, टुगेदर मतलब एक साथ, इनटू अ सिंगल यूनिट, और सिंगल यूनिट मतलब क्लास, इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब जनरल लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अ कैप्सूल, जो कैप्सूल आप लोग यूज करते हो, खाते हैं हम लोग मेडिसिन के रूप में, ड्रग के रूप में, तो कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल का जो प्लास्टिक वाला कोटेड लेयर होता है ना, उसके अंदर ड्रग्स भरी होती है, तो कैप्सूल क्या है, कैप्सूल तो क्लास है ये, ठीक है, कैप्सूल ध्यान देना, कैप्सूल जो वो प्लास्टिक वाला जो उसका कोटेड लेयर है वो क्या है, एक क्लास का नाम है, और उसके अंदर जो डेटा भरा है, डेटा मतलब ड्रग्स भरी है, तो ये वेरिएबल होंगे, जो ड्रग्स भरी है उसके अंदर वो वेरिएबल हैं, और उस ड्रग्स का काम क्या है, कि वो बुखार सही करेगा, वो खांसी सही करेगा, या वो कुछ और सही करेगा, वो क्या है, वो ये मेथड है कि वो ड्रग्स किस किस चीज पे काम करेगी। जैसे कि एक ही कैप्सूल खाने पर
सर्दी जुखाम बुखार तीनों चीजें सही हो सकती हैं, कोई ऐसा कैप्सूल हो सकता है, या एक चीज या एक कैप्सूल खाने पर सिर्फ आपका बुखार ही ठीक होगा। तो डिपेंड करता है उसमें फंक्शन यानी कि ये मेथड कितने और किस काम के लिए बनाए गए हैं। और वो जो आप उस कैप्सूल को अगर तोड़ें आप तो उसमें येलो कलर का या ब्राउन कलर का जो या वाइट कलर का जो ड्रग्स भरा है वो हमारे वेरेबल्स हैं, वो हमारे वेरेबल्स हैं। आया बेटा रियल लाइफ में समझ में? तो कैप्सूल से ही इनकैप्सुलेशन थोड़ा बना हुआ है, ये भी समझ लीजिएगा। इनकैप्सुलेशन बताया, तो इनकैप्सुलेशन में हमने बताया कि आपका जो डेटा होता है और उससे रिलेटेड जो मेथड होते हैं वो एक दूसरे के साथ में किसी एक यूनिट के अंदर बंद कर दिए जाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिया गया कैप्सूल का, जिसके अंदर ड्रग्स भरी होती है तो वो हमारा डेटा होती है यानी कि वेरेबल्स होती है, और उस डेटा का के ऊपर क्या काम ऐसा किया गया होगा कि वो सर्दी जुखाम बुखार सही कर देता है, वो उसका क्या है बिहेवियर है यानी कि मेथड्स। ये जो मेथड है इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले वो ये चीज है, और ये दोनों चीजें किसके अंदर बंद होती हैं कैप्सूल के अंदर, तो उसी कैप्सूल को हम लोग इनकैप्सुलेशन मान रहे हैं या कह रहे हैं। और यहाँ अपना प्रोग्रामिंग उसमें वो कैप्सूल कौन सा है, ये क्लास है, ये क्लास ही वो कैप्सूल है, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल और फंक्शन एक साथ बंद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फीचर, इसको मैं हटाए दे रहा हूं। नेक्स्ट फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार फीचर्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक ऐसी एबिलिटी है ऑफ मैसेज टू डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म, यानी कि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है जिसके द्वारा किसी एक मैसेज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, किसी एक चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। अब थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखो, यहाँ पे ध्यान दो। अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अ पर्सन एट सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, वो पर्सन एक मैन हो सकता है या मैन है मान लीजिए, और सेम टाइम पर वो क्या क्या हो सकता है, वो फादर हो सकता है, वही पर्सन आपका हस्बैंड हो सकता है, वही पर्सन कहीं पर एम्प्लॉय हो सकता है। तो देखो यहाँ पे फिर से डेफिनेशन पे ध्यान दो। मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म, यानी किसी एक मैसेज या किसी एक चीज को जब एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। तो यहाँ पे आपको पता चला कि कोई एक आदमी है, कोई एक मैन है, वो आपका कभी अपने बच्चों के लिए वो एक फादर है, अपनी वाइफ के लिए वो एक हस्बैंड है, और अपने बॉस के लिए वो एक एम्प्लॉई है, और है तो वो एक ही इंसान लेकिन अलग अलग फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। अब इसका रियल लाइफ में आपको एग्जाम्पल दे दें, रियल लाइफ तो हो गया, प्रोग्रामिंग में इसका एग्जाम्पल दे दें। अभी हमने डिस्कस किया था, छोटा सा एक वर्ड यूज किया था, फंक्शन ओवरलोडिंग। उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या कहा जाता है कि एक ही नाम है फंक्शन का और वो कई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा क्लास, ये प्रोग्रामिंग के उससे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ओवरलोड, क्लास ओवरलोड डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहां पे एक फंक्शन बनाया void add, और इसमें int a comma int b, ये क्या करेगा, ये दो नंबरों का सम करेगा। फिर एक और फंक्शन बनाया, अच्छा इसका कर्ली ब्रैकेट खोला और इसमें वर्किंग की बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक और फंक्शन लिया void add, फिर से void add, इसमें क्या किया, इसमें स्ट्रिंग
string s, comma, string p. ये दो नाम को ऐड करें, स्ट्रिंग नाम के लिए होता है ना, तो s में एक नाम है और p में एक नाम है, और इसका कर्ली ब्रैकेट खोला, इसमें वर्किंग की, इसको बंद कर दिया, ये दो नाम को ऐड करेगा, और void add एक तीसरा ले लिया, इसमें बच्चों यहां पे int a कॉमा float float b कॉमा डबल c. इस फंक्शन का काम क्या है, ये थ्री नंबर को ऐड करेगा जिसमें कि एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और एक डबल है, और उसके बाद क्लास को हमने बंद कर दिया. अब डेफिनेशन पे ध्यान देंगे. डेफिनेशन क्या है, इट इज अ एबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म. यहां पे वो मैसेज क्या है, एड, एड का मतलब एड करना, तो एक एड नाम का मेथड है जो कि इस फंक्शन की बात करें तो वो दो नंबर को ऐड कर रहा है इंटीजर टाइप के, और वही ऐड मेथड नाम सेम है, और यहां पे अगर बात करें तो वही ऐड मेथड दो नामों को ऐड कर रहा है, आपस नेम्स को ज्वाइन कर रहा है, और फिर वही ऐड इस फंक्शन की बात करें तो वो थ्री नंबर को ऐड कर रहा है, यहां पे टू नंबर ऐड हो रहे थे, यहां पे थ्री नंबर को ऐड कर रहा है. तो जब एक ही मैसेज एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. हाँ, यानी नाम ऐड ही है लेकिन किसी ऐड में दो नंबर का सम हो रहा है, किसी ऐड में दो नाम का सम हो रहा है, यानी कि मींस ज्वाइन हो रहा है, और किसी ऐड में थ्री नंबर का सम हो रहा है. बिल्कुल वैसे ही कि एक मैन जो है कहीं पर वो फादर है, मैन तो वही है यानी ऐड तो वही है, कहीं पर वो फादर है, कहीं पर वो हस्बैंड है, और कहीं पर वो एम्प्लॉई है, ये है इसका मतलब बेटा. ऐसे ही अच्छा, और हम थोड़ा सा एग्जांपल लें, जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन जो है एक आपका क्लास होती है, मतलब किस हिंदी में कहें तो किस वर्ग से हम लोग कनेक्टेड हैं, तो एक मैमल वर्ग होता है, मैमल क्लास होती है, तो मैमल क्लास का ही आपका फॉर्म है, कोई जानता है इसके बारे में थोड़ा बहुत, मैमल? हाँ, तो मैमल क्लास से ही हम लोग ह्यूमन लोग, और जो आपका ये एनिमल्स हैं ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, जब बायो पढ़ोगे तो इसको पढ़ाया जाएगा आपको. तो मैमल वर्ग का एक फीचर्स है आपका कि मैमल वर्ग के जितने भी लोग होंगे वो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं और बोल सकते हैं. तो वो फीचर्स हम इंसानों में भी आया, वो फीचर्स जानवरों में भी गया, यानी एनिमल्स में भी गया. अब उस फीचर्स की बात करें, एनिमल में मान लीजिए सी देख सकते हैं, तो उसकी सी जो है वो तो एक ही है, जैसे ये ऐड, ऐड तो नाम एक ही है लेकिन इसकी फॉर्म अलग अलग है. तो सी की फॉर्म क्या है कि एनिमल में अगर कहें तो कई जानवर सिर्फ दिन को देख सकते हैं, रात को नहीं देख सकते हैं, और कई एनिमल ऐसे होते हैं जो रात को भी देख लेते हैं. एक तो ये फीचर हो गया, यानी कि सी एक ही है, सी मीन्स देखना, लेकिन कई एनिमल हैं जो सिर्फ दिन में ही देख पाते हैं, और कई एनिमल ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख पाते हैं, और फीचर्स एक ही है सी, जो दोनों को सेम मिला है. ऐसे ही अगर आईज, मान लीजिए ह्यूमन में या जो है एनिमल्स में आईज होती हैं, तो उनके कलर की बात करें तो कई इंसानों में मैक्सिमम जो है ब्लैक कलर की आईज होती हैं, तो आईज एक फीचर्स है जो जिसकी कितनी फॉर्म है कि किसी की आंखें कहीं तो आईज ही जाएंगी, कभी वो ब्लैक होती हैं किसी की, कभी की ब्लू होती हैं या किसी की ब्राउन होती हैं, लेकिन फीचर्स एक ही है आईज, और उसको अलग अलग रूप में हम लोग देख पा रहे हैं. बात समझ में आ रही है बच्चों? अब इसके बाद जो है लास्ट, इसका फीचर्स अगर देखें, क्योंकि बच्चों ये चीज आपको जो है पढ़ तो जाओगे स्कूल में लेकिन आपको समझाया नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा ये है क्या, और डेफिनेशन खाली वो रट्टू तोता वाला हिसाब किताब रह जाएगा, रटते रह जाओगे. इसलिए जरूरी है कि हम आपको ये चीजें बताएं. देखिए अब इसके बाद लास्ट है फीचर्स आपका इसका इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में बच्चों क्या होता है, इट इज अ मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वन क्लास इज अलाउ
टू इनहेरिट द फीचर्स, फीचर्स का मतलब यहां पे फील्ड से है या फीचर्स का यहां पर मतलब प्रॉपर्टीज से है, एंड मेथड्स बिहेवियर, मेथड का संबंध बिहेवियर से है, ऑफ एनदर क्लास। अच्छा थोड़ा बीच वाला अभी स्किप कर देते हैं, फिर से एक बार डेफिनेशन देखो। जावा बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स ऑफ एनदर क्लास। अब इनहेरिट का मतलब क्या है? इनहेरिट का मतलब कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर रही है, या कोई एक क्लास अपनी क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में इनहेरिट करवा रही है। तो इनहेरिट का मतलब लेना या देना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बच्चों जब जो हम लोगों से बड़े हैं, यानी कि बेस क्लास, और हम लोग क्या हैं, सब क्लास हैं, चाइल्ड क्लास हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कहा जा सकता है। जब पेरेंट क्लास के फीचर्स चाइल्ड क्लास के अंदर आते हैं, या चाइल्ड क्लास अपने फीचर्स को पेरेंट क्लास से लेती है, तो उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने वो एक कौन सी मूवी देखी थी, क्रिस मूवी देखी थी। और क्रिस से पहले कौन सी मूवी देखी थी, क्रिस तो पार्ट था ना उसका, उससे कोई मिल गया, ठीक है। तो कोई मिल गया वाली मूवी में उस हीरो के अंदर जो फीचर्स आ गए थे एलियंस द्वारा, वो फीचर्स उसकी संतान में, यानी कि उसकी सब क्लास में चले गए, यानी कि दूसरी वाली पिक्चर जो बनी थी उसमें चले गए, कि वो भी उड़ ले रहा है, वो भी स्ट्रांग है, वो भी बहुत बहुत कुछ कर पा रहा है। तो इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे कभी कभी सुना होगा कि ये लड़की तो अपने पापा पे गई है, या ये लड़का तो अपने दादा पे गया है, तो इसका इसकी आंखें अपने दादाजी से मिल रही हैं। तो इसका क्या सेंस है कि वो जब पेरेंट क्लास से कोई फीचर्स हमारी सब क्लास में ट्रांसफर होते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऐसे और एग्जांपल लें कि जैसे आपके पापा के पास 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, आपको ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस हुई कि बेस क्लास से प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होकर सब क्लास में आती हैं, या सब क्लास जो है बेस क्लास से प्रॉपर्टीज ले लेती है, तो उसको ही इनहेरिटेंस कहते हैं। कुछ दिमाग में बातें आ रही बेटा, इनहेरिटेंस क्या है? Yes. तो फिर से एक बार देख लेंगे। इट इज द मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वन क्लास इज अलाउ टू इनहेरिट द फीचर्स, फीचर्स का मतलब यहां पर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर से है। देखो अगर उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में, जावा के लैंग्वेज में कहेंगे तो फीचर्स का मतलब यहां पे फील्ड्स, फील्ड्स मतलब वेरिएबल, और मेथड्स, मेथड्स तो आपको अभी फंक्शन बताया है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से कहें तो फील्ड्स और मेथड कहेंगे, और जनरल लैंग्वेज में कहें तो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। जब किसी अनदर क्लास में पहुंच जाते हैं बेस क्लास द्वारा, या दे देती है, वो अलाउ करती है बेस क्लास, यहाँ पे वन क्लास अलाउ कह रहा है ना, तो बेस क्लास अलाउ करती है कि हमारे फीचर्स को हमारी जो सब क्लास हैं वो ले लें, तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। बेटा आ गया समझ में सबको? हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात। तो ये तो इसके आपके चार कॉन्सेप्ट या चार प्रिंसिपल हो गए। अब यहां पे दो और इसके फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास भी होगी और एक ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये टोटल आपका जो है 6 हो गए। देखिए क्लास के बारे में अब जानते हैं, क्लास क्या है। तो यहां पे अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप। ये तीनों वर्ड एक ही जैसे हैं, बस अलग अलग रूप में कहे जा रहे हैं, लेकिन तीनों वर्ड एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर से एक बार देखो, अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट द
डिस्क्राइब द बिहेवियर, बिहेवियर को हम स्टेट भी कह रहे हैं, दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट। अब कितने लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में टेम्पलेट वर्ड सुना है, टेम्पलेट कहीं सुना है? क्या जानते हैं टेम्पलेट के बारे में? टेम्पलेट क्या होता है? और किसी को कुछ मालूम है? अच्छा, ब्लूप्रिंट क्या होता है ये बताओ, ब्लूप्रिंट के बारे में जानते हो कोई? या प्रोटोटाइप के बारे में जानते हो? या तीनों के बारे में नहीं जानते हो तो फिर हम ही बताएं। हाँ, काफी हद तक आप पहुंच गए हैं। और किसी को कोई आइडिया? हाँ, प्रोटोटाइप, ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट के बारे में? प्रोटोटाइप टू गिव एन एग्जांपल ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट हाउ इट विल वर्क लाइक दैट। नॉट एग्जैक्ट, लेकिन जो है हम आपको समझाते हैं। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि ये तीनों चीजें हम एक ही उस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एक घर में फंक्शन है, मुंडन है या जो है शादी है, मैरिज है, तो उसका आप कार्ड छपवाने जा रहे हो, कार्ड को प्रिंट करवाने जा रहे हो, तो कार्ड जब बनेगा तो उससे पहले आपको डिज़ाइन बना के कुछ रफली पेपर पे डिज़ाइन बना के उसको देनी पड़ेगी कि क्या नाम इसमें रहेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी, ये सब एक आपका जो इन्फॉर्मेशन है एक तरीके से वो आपको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है ऑपरेटर, ऑपरेटर के पास बने बनाए कार्ड के डिज़ाइन पड़े होते हैं। हाँ करते रहना जहाँ पर समझ में आए। ऑपरेटर जो होता है कंप्यूटर वाला, उसके पास बने बनाए, क्योंकि वो तो दिन भर में जाने कितने सारे कार्ड बनाता होगा, तो उसके पास बने बनाए डिज़ाइन पड़े होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि वो जो पुराना वाला डिज़ाइन था जिसमें किसी के पापा का नाम रमेश था और यहाँ पे जो देने आया है उसके पापा का नाम सुरेश है, तो वो क्या करेगा, खाली रमेश को हटाया और वहाँ पर क्या कर दिया उसने, सुरेश कर दिया। या जो भाई बहन है वो सबके नाम है, या जो प्लेस है कि शादी कहाँ पे होगी, या टाइम जो है वो क्या कर रहा है, वो पुराना हटा रहा है नया डाल दे रहा है, पुराना हटा रहा है नया डाल दे रहा है। तो अब सीधे सीधे समझो, टेम्पलेट का मतलब है उसके पास जो पुराना बना बनाया कार्ड पड़ा था उसको ही टेम्पलेट कहते हैं, और उस एक टेम्पलेट से, उस एक शादी के टेम्पलेट से वो हजारों शादी के कार्ड बनाता चला जा रहा है। उसको ये सोचना नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग तो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही खाली उसको देते हैं, लेकिन शादी के कार्ड का डिज़ाइन, कहाँ पर कौन सी चीज़ ऊपर रहती है, कहाँ पर गणेश जी लगेंगे, कहाँ पर क्या लगेगा, ये थोड़ी ना हम लोगों को पता होता है। ये तो उसी के पास टेम्पलेट होता है और उसी को हम लोग मान लेते हैं, हाँ भैया यही सही है, ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन करना करवाना चाहे तो करवा दें। तो जो उसके पास पहले से बनी बनाई चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हीं को हम लोग टेम्पलेट कहते हैं, या उन्हीं को हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। और उसी जैसा आप देखो, जब उसने इन्फॉर्मेशन उस टेम्पलेट में या उस ब्लूप्रिंट में तुमने जो इन्फॉर्मेशन अपनी बताई वो चेंज कर दी, और फिर उसी शादी वाले कार्ड को वो फटाफट प्रिंट कर रहा है, तो उसमें गणेश जी जहाँ थे पुराने कार्ड में वहीं पे लगे हैं, जहाँ पे आपका प्रोग्राम का होना का जगह लिखी है वो वहीं पे लिखी हुई है। तो टेम्पलेट यानी जो बनी बनाई चीज हो उसी में हम लोग चेंजेस कर लें। ऐसे ही आप देखो, दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि आप लोगों में किसी बच्चे ने कंप्यूटर में टेक्स्ट पेंट, एक टेक्स्ट पेंट सॉफ्टवेयर होता है, पेंट ब्रश जैसा होता है, ऐसे टेक्स्ट पेंट होता है, तो टेक्स्ट पेंट में बनी बनाई डिज़ाइन पड़ी होती है कि एक ट्रैक्टर पड़ा है और ग्रास है उसके अंदर, और वो बनी बना या काइट है या कोई और डिज़ाइन उसमें पड़ी है, घर है होम है, हाँ ड्राइंग्स वगैरह पहले से पड़े रहते हैं। अब आपका काम क्या होता है कि आपकी मर्जी जो चाहो उसी घर को, आपने जब उस घर को कुछ पेंटिंग करने का सोचा तो आपने ब्लू कलर से पेंट कर डाला, जब दूसरा बच्चा आया तो टेम्पलेट तो वही रहेगा, वो फिर से नई फाइल खोलेगा, फिर से वही खाली टेम्पलेट आ जाएगा सामने, जो घर का स्ट्रक्चर ढांचा है,
और फिर वो दूसरा बच्चा वो रेड कलर से उस घर को पेंट कर देगा या जैसे चाहे वैसे कर सकता है। तो टेम्पलेट का सीधा सीधा या फंक्शन प्रोटोटाइप का सीधा सीधा मतलब कि कोई एक ऐसा बना बनाया स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग फिलिंदा ब्लैंक्स करके नई चीज बना सकें, नए रूप में उसको दिखा सकें। अच्छा एक और चीज बता दें आपको, आप वहां जाते हो, किसी भी स्कूल में जाते हो या आप जो है हॉस्पिटल में जाते हो, तो आपको क्या करा जाता है, एडमिशन फॉर्म पकड़ा दिया जाता है या एडमिट फॉर्म पकड़ा दिया जाता है। तो वो एडमिशन फॉर्म कभी बदलता है क्या? एडमिशन फॉर्म कभी नहीं बदलता है, उसके अंदर खाली इंफॉर्मेशन हम लोग बदलते रहते हैं। तो वो जो स्कूल का एडमिशन फॉर्म है वही हमारा टेम्पलेट है, वही हमारा ब्लूप्रिंट है और वही हमारा प्रोटोटाइप है। अब मान लीजिए स्कूल के पास 100 एप्लीकेशन फॉर्म है एडमिशन फॉर्म, और 100 बच्चों को उसने जब वो देगा तो आप याद रखिएगा वो हमेशा एक जरूर बचा लेगा। जब वो 100 फॉर्म है तो 99 लोगों को दे देगा, एक बचा लेगा, क्योंकि उसी से तो उसको फिर से और बनवा लेने हैं। अगर उसने 100 एप्लीकेशन फॉर्म पूरे के पूरे दे दिए तब क्या होगा, उसके पास कोई एप्लीकेशन फॉर्म बचा ही नहीं है ना, तो फिर उसको फिर से रीडिजाइन कराना पड़ सकता है अगर उसके ऑपरेटर के पास पड़ा हुआ ना हुआ, तो ये होता है। अब इसको हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर ले। हाँ यही है क्लास, क्लास जो है ये अब देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के उसमें अगर हम रिलेट करके बताएं तो क्लास का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखो ऐसे बता रहे हैं, क्लास का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि आपका पहले इंपोर्ट वाली लाइन होती है और उसके बाद जो है क्लास, और ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे स्पेस होता है, फिर क्लास का नाम होता है कोई ना कोई, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन होता है, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वैल्यू इनपुट करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यू इनपुट किया, और उसके बाद क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो, फिर प्रिंटिंग करते हो, और उसके बाद क्लास का पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बंद कर दिया और क्लास बंद कर दिया। तो ये क्या है, ये प्रोटोटाइप है, ब्लूप्रिंट है और टेम्पलेट है। इसी के अंदर कभी कभी आप दो नंबर का सम कर रहे हो, कभी आप टेम्परेचर का प्रोग्राम बना रहे हो और कभी आप किसी और का प्रोग्राम बना रहे हो। आया समझ में बच्चों? हाँ तो यही वो स्ट्रक्चर है, यानी इन तीनों वर्डों का मतलब सीधा सीधा है स्ट्रक्चर से है, उस स्ट्रक्चर में बस फिलिंदा ब्लैंक्स करो और नई चीज तैयार कर लो, ये है। ठीक है बच्चों, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, 3 मिनट ज्यादा हो गया है, तो हम लोग यहीं पे क्लास एंड कर लेते हैं। और बाकी जो है आप लोग बुक से भी थ्योरी पढ़ना चालू कर दिए, क्योंकि मैं यूनिट वाइज थ्योरी पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उससे भी पढ़ना चालू कर दीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेरी की जा सके और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी हो सके। ठीक है बच्चों, बाय बाय।